नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट एजुकेशन क्लासेस पे। दोस्तों, टारगेट एजुकेशन क्लासेस के इस सेशन में अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के इस सेशन में अपना चल रहा था टॉपिक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर अपने तीन पार्ट ऑलरेडी दोस्तों हो चुके हैं, आज ये चौथा पार्ट अपन लेके आए हैं। इस पार्ट के अंदर दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे पिछले वाले वीडियो से कुछ अच्छे लेवल के, यानी कि पहले से लेकर जितने भी वीडियो आएंगे, ये मान के चलिए कम से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा क्लासिफिकेशन के अंदर। तो हर क्वेश्चन के लेवल में क्या मिलेगी आपको, बढ़ोतरी मिलेगी, यानी लो से हाई लेवल तक आपको मैं लेके जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये क्लासिफिकेशन है, ये पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, SSC हो, बैंक हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें पूछी पूछी जाती है दोस्तों। तो ऐसे ही अपन बेहतरीन सेशंस के लिए जुड़े रहिए आप टारगेट एजुकेशन क्लासेस के साथ, और आप टारगेट एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी आप बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर आप जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों आज एक नई चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक नई चीज़ मैं आपको बताऊँगा, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें और वो आप याद भी ज़रूर रखें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि वो चीज़ क्या है। तो दोस्तों आज है अपना क्लास शेड्यूल, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस तरह जो है टारगेट एजुकेशन क्लासेज पर आपकी क्लासे रहेंगी। दोस्तों रोज़ सुबह 8:30 बजे आपको मिलता है करंट अफेयर जो गजानन सर करवाते हैं, ठीक है। जीजे सर जो अपना डेली करंट अफेयर करवाते हैं, रोज़ सुबह 8:30 बजे आपको प्रीमियर मिलेगा दोस्तों। रीजनिंग जो है वो 10:30 बजे जो मैं करवाता हूँ, यानी योगेश सर, वो मैं रीजनिंग आपको करवाऊँगा। हिंदी जो है वो अपने PM सर करवाते हैं, वो मिलेगी आपको 11:15 बजे, सुबह 11:15 बजे। और साइंस जो है वो मिलेगी आपको रात 8 बजे जो है प्रीमियर चलता है साइंस का, और वो है दोस्तों आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, यानी सप्ताह में 3 दिन। और बाकी जो 3 दिन बच गए, वो उस 3 दिन में शाम को 8 बजे आपको मिलेगा राजस्थान GK, मंडे को, वेडनसडे को और फ्राइडे को जो मैं करवाऊँगा आपको, और साइंस जो है वो आपको करवाएंगे गजानन सर, ठीक है। तो आप दोस्तों ये ज़रूर आप याद रखें, ये टाइम टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 8:30 बजे करंट अफेयर है, 10:30 बजे रीजनिंग है, 11:15 बजे हिंदी है सुबह में, और शाम में जो है वो 8 बजे साइंस है, और 8 बजे ही आपकी राजस्थान GK, सप्ताह में 3 दिन साइंस, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, राजस्थान GK, मंडे, वेडनसडे और फ्राइडे को, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला सवाल। पहला प्रश्न है कि आपको छांटना है चारों ऑप्शन में से एक जो इनकी संगत नहीं है बाकी तीन की, ऑप्शन ए इनाम, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी भेंट और ऑप्शन 4 पुरस्कार। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर होगा आपका इसका प्रतियोगिता। प्रतियोगिता के अंदर जो जीतेगा उसी को इनाम, भेंट या पुरस्कार मिलेगा, इसलिए प्रतियोगिता क्या यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 क्या यहाँ पे सही आंसर है। अगला है 36 बेहतर 28 56 32 65 और 35 70, बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, सोचने की बात नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे होगा, 36 का डबल 72 28 का डबल 56 35 का डबल 70 32 का डबल 65 नहीं होता है, कितना होता है, 64 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन क्लासिफिकेशन में पूछा जाता है दोस्तों। अब देखो इसके अंदर कौन सी संख्या जो है वो गलत है, देखो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका सही, 86 जो है वो गलत है, देखो कैसे, 89 माइनस कितना कर रहा है यहाँ पे, तो 86 आ रहा है, कितना किया, -3। अब देखो 86 से 85 देखो तो यहाँ कितना कर रहा है, -1, ठीक है, और 85 से 82 तो कितना कर रहा है, -2, ये सीरीज नहीं बन रही। अगर दोस्तों मैं 86 की जगह क्या कर दूं, 87 कर दूं, 87 करते ही यहाँ पे क्या इन दोनों जगह चेंज हो जाएगा, देखो -2, 89 में से -2 87, फिर 87 में से -2 तो 85, 85 में से -2 तो 83, तो ये क्या है, 86 है। अब देखो अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये सीरीज चल रही है, तो देखो अभी बता देता हूँ कि कैसे पता चली कि कौन सी सीरीज चल रही है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ। देखो 78 के अंदर प्लस क्या किया, 2 किया, 80 आया, 80 के अंदर 2 जोड़ा तो कितना, 82, अगर 82 में आगे 2 जोड़ते तो कितना, 80, कितना, 4, यानी +2 की सीरीज चल रही है, और जो एक जो पैटर्न अपना ये वाले इसमें -2 की क्या चल रही है दोस्तों, सीरीज अपनी चल रही है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, 86 होगा,
सही उत्तर क्या होगा अपना यहाँ पे, 86 होगा, 86 यहाँ पे नहीं आएगा, 87 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दो क्या हो गया आपका, सही उत्तर हो गया दोस्तों। अगला है, निम्न में से भिन्न कौन सा है, डेमोक्रेट, कम्युनिस्ट, लिबरल या ऑटोक्रेट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चार यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह, जबकि डेमोक्रेट, कम्युनिस्ट और लिबरल क्या है, वो उदारवादी टाइप के हैं, उदारवादी का मतलब तानाशाही नहीं है, जबकि ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाही। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर चार होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असमान शब्द को ज्ञात करें, ऑप्शन ए आई, ऑप्शन सी ईयर, ऑप्शन थ्री ईट, ऑप्शन फोर नोस। तो सही उत्तर आपको देखते ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या, तीन। बाकी देखो, आई यानी आँख है, ये आँख हो गई, ये कान हो गए, ये नाक हो गए, ये तीनों क्या है, शरीर के पार्ट है, जबकि ईट शरीर का पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीन क्या हो गया यहाँ पे, सही उत्तर हो गया दोस्तों। देखो अगला प्रश्न है, उसे ज्ञात कीजिए जो समूह से भिन्न है, ऑप्शन नंबर ए है नारंगी, ऑप्शन बी नील का पौधा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन फोर हरा, ऑप्शन फाइव गुलाबी। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नील का पौधा ये क्या है, एक पौधा है, जबकि नारंगी, पीला, गुलाबी, हरा ये चारों के क्या हैं दोस्तों, रंग हैं, ये चारों ऑप्शन क्या हैं, रंग हैं, जबकि नील का पौधा क्या है, एक पौधा है, इसलिए समूह से क्या है, भिन्न है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो देखो दोस्तों, लेखक, पाठक, संवाददाता, प्रकाशक और मुद्रक। तो सही उत्तर दोस्तों इसमें क्या होगा, आप बता सकते हैं सही उत्तर इसमें क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, पाठक। देखो कैसे, लेखक का काम है लिखना, संवाददाता का क्या काम होता है कि जो भी न्यूज है, जानकारी, उसको इकट्ठी करना। प्रकाशक और मुद्रक का क्या काम होता है दोस्तों, वो जो संवाददाता जो चीज़ें इकट्ठी करता है, लेखक जिसे लिखता है उसको क्या करती है, प्रकाशित करती है, पाठकों तक भेजती है। तो लेखक, संवाददाता, मुद्रक और प्रकाशक का दोस्तों क्या क्या काम है, जानकारी इकट्ठी करना, जबकि पाठक का क्या काम है, उन जानकारी को पढ़ना, इसलिए पाठक क्या हो गया, इनसे अलग हो गया। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो समूह है से संबंधित नहीं है, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर और नवंबर। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ दोस्तों, कौन सा उत्तर होगा बताइए। तो देखो दोस्तों, हाँ जी, तो कौन सा उत्तर सही होगा, देखो पहले अपन ना कैसे याद करेंगे इनको। अब आप देखेंगे कि अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, इनमें तो ऐसा भी कुछ नहीं बैठ रहा है कि कोई एक महीना सर्दी का हो या गर्मी का हो या बरसात के मौसम का हो, ये तो सारे महीने हैं इसमें, तो कैसे पता करेंगे। देखो दिन की बात करो यहाँ पे, अप्रैल में कितने, 30 दिन, जून में 30, सितंबर में 30, जुलाई में 31 और नवंबर में कितने, 30। देखो कलर चेंज करके मैं बताऊँ, 1, 2, 3, 4 क्या है, सेम है, जुलाई में कितने, 31, इसलिए ऑप्शन नंबर तीन क्या हो गया आपका यहाँ पे, सही उत्तर हो गया, क्योंकि बारिश, बाकी जो महीने अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है, ये क्या है, 30-30 दिन है इनके अंदर, और जुलाई में क्या है, 31 दिन है, इसलिए समूह नहीं बनाते हैं। आप चाहे चेक कर लेना, जुलाई जो है 31 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, असंगत का चयन करें, 15, 24, 48, 99, 121। तो दोस्तों आप कैसे निकालेंगे, देखो 121 क्या है, एक स्क्वायर संख्या है, 99 स्क्वायर है, नहीं है, 24 नहीं है, 15 नहीं है, 48 ये भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 क्या हो गया यहाँ पे, सही हो गया। 121 क्या, एक स्क्वायर है, और किसकी है, 11 की स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 121, समझ में आ गई चीज़, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न है, असंगत का चयन करें, 4433, 4322, 4511, 6221। तो देखो अब इसमें, देखो इसमें जैसे तीन संख्याएं लगातार आ गई, इसमें तीन आ गई, बाकी में ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब क्या होगा, इन संख्याओं का योग करो, 4, 4, 4, 12 और 3 कितना, 15, इनका जोड़ो, 3, 3, 9 और 2 कितना, 11, देखो 4 और 3, 7, 7 और 2, 9, 9 और 2, 11, 5 और 4, 9, 9 और 1, 10 और 1, 11, इसका 6, 4, 10 और 1, 11।
तो देखो इसका योग भी कितना 11, इसका भी कितना 11, इसका भी कितना 11, इसका भी कितना 11, यानी 11। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि इसका योग कितना है? 15 है, बाकी सबका क्या है? 11 11। इसलिए ऑप्शन नंबर वन क्या हो गया आपका यहाँ पे? सही हो गया। तो दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही देखेंगे, बाकी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है अपन कम से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों क्लासिफिकेशन के अंदर अपन करने वाले हैं, चाहे कितने भी वीडियो बने, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आप वीडियो को जो है अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप यूट्यूब चैनल जो अपना है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना आप बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। उससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा दोस्तों आपको बता दिया जाएगा। और जैसा टाइम टेबल मैंने बताया था, दोबारा एक बार मैं आपको वही टाइम टेबल दोस्तों दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये अपना टाइम टेबल देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था अपना टाइम टेबल कैसा है। यहाँ पे 8:30 बजे गणांश द्वारा करंट अफेयर, रीजनिंग योगेश सर द्वारा, 10:30 बजे, 11:15 बजे हिंदी पीएम सर द्वारा, साइंस तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 8 बजे शाम को गजानन सर द्वारा, राजस्थान जीके मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को शाम 8 बजे मेरे द्वारा यानी योगेश सर द्वारा। तो आप ये टाइम टेबल नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच।